यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस राग की दीवार से त्रिकाल न्यारा तत्व हूं। मलिन विकार ज्ञायक में से उत्पन्न होता नहीं, ज्ञायक में मिलता नहीं। ऐसा मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं। मेरा किसी भी पराये से कोई ऋणानुबंध नहीं है, क्योंकि जिसमें बंध नहीं है, मोक्ष नहीं है, ऐसी जो चैतन्य सत्ता है यही मैं हूं। बंध का अंत है और जो अबंध चैतन्य तत्व है वह अनंत है। मैं अनंत काल तक टिककर रहने वाला सत्ता स्वरूप परमात्म तत्व हूं। मेरा रूप इन भौतिक पदार्थों से अत्यंत न्यारा है। मैं आंखों से दिखाई देने वाला तत्व नहीं हूं। मैं बुद्धि से पकड़ में आने वाला तत्व नहीं हूं। क्योंकि मैं त्रिकाल अरूपी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं।
न खोने का भय है न पाने का लोभ है। चैतन्य सत्ता के परिपूर्णता की जागृति में समस्त धर्म का सार आ जाता है। पाने के लोभ में भी अपरिपूर्ण हूं यह स्वीकार होता है और खोने के भय में भी परिपूर्णता का अस्वीकार है। मैं ऐसा परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा हूं जहां पाना भी नहीं और खोना भी नहीं, और इतना तक विकल्प नहीं कि जिसमें से कुछ जाता नहीं जिसमें कुछ आता नहीं, सिर्फ 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 सत्ता कि मैं ज्ञायक हूं। जैसे एक ही समय में पर्याय ने पूरे ज्ञायक को पी लिया हो, पूरी तरह से ज्ञायक को अनुभव कर लिया हो, इस अनुभूति के बाद में जगत के किसी भी पर पदार्थ के विषय के भोगों की अनुभूति, अब भोगों की अनुभूति नहीं लगती, अब ज्ञान की अनुभूति लगती है। ये जो सदा अनुभव में आ रहा है यही ज्ञान है। इसलिए यह बात श्रद्धा को स्वीकृत नहीं होती कि मैं विकारी हूं या फिर मैं पुरुषार्थी हूं। श्रद्धा यह मानने को तैयार ही नहीं होती, क्योंकि श्रद्धा ने जो रूप देखा है उस रूप में तो क्रिया है नहीं, श्रद्धा ने तो अक्रिय में अपनापन किया है। श्रद्धा के कमल पर अब ये जो भंवरा बैठा है ये भंवरा अरूपी है। अब ये बैठने के बाद में अब ये उठता नहीं है। ये तो पद्म के आसन में बैठ गया, पद्मासन में बैठ गया। ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव न्यायक दे और ऐसी जो निरंतर नित्य बहती ज्ञान की धारा और ध्रुव चैतन्य सत्ता की परिपूर्णता का एहसास, तो परमाणुओं का वियोग ये बात ही विकल्पों में पैदा नहीं होती। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यदि कोई है, सबसे झूठा शब्द यदि कोई है, तो वह मृत्यु है। अनादिकाल से जो आज तक घटित नहीं हुआ, अज्ञानी को उसी घटना का सबसे अधिक भय है। अनंत काल तक जो घटना घटेगी नहीं, अज्ञानी दिन रात चिंतित है। ये जितना भी इंतजाम किया है, उपाय खोजा है, इसी का तो उपाय है कि मृत्यु न हो जाए, मगर सत्य को समझा नहीं कि मेरी तो मृत्यु अनंत काल तक न होगी। ऐसा सत्ता स्वरूप परमात्मा मैं हूं। अब देह को क्षीण होता हुआ देखता है मगर अंत नहीं देखता, सत्ता को देखता है। ये ट्रेन चल चुकी है, ये मित्र ट्रेन में बैठ गया है, अभी ट्रेन आगे गई और ट्रेन ने मोड़ लिया। थोड़ी देर तक तो वह खिड़की से भी दिखाई देता था, अब वो दिखाई देना बंद हो गया। इसका अर्थ यह नहीं कि हम ये मानने लगते हैं कि वो मेरा मित्र अब मर गया। जैसे हृदय में यह स्थापित है कि मुझे दिखाई देना बंद हो गया है मगर कहीं ना कहीं वह है, ऐसे ही ज्ञानी की चैतन्य की अस्थि की श्रद्धा है। इसलिए तो सदा काल नित्यता की जागृति है कि मैं हूं। इसलिए मैं हूं, हूं पर इतना जोर है, नित्य सत्ता पर जोर है। जानने में नहीं आ रहा, देखने में नहीं आ रहा, मगर वो वहां नहीं है, मैं कैसे मानूं? एक कमरे में सो रहा था, दूसरे कमरे में उसे लेकर के गए।
मगर वह व्यक्ति जो सो रहा है उसे पूछो कि तू दूसरे कमरे में गया, वो कहेगा नहीं, क्योंकि मैं पहले कमरे में भी नहीं था। और वो इतना भी उत्तर नहीं देगा कि पहले कमरे में नहीं था, वो कुछ भी उत्तर नहीं देता। और सत्य यही है कि वो पहले कमरे में नहीं था, वो दूसरे कमरे में नहीं आया, वो थोड़ी देर पहले था तब भी वो नींद में था, कमरे में नहीं था, बाद में भी वह नींद में है, कमरे में नहीं है। दुनिया देखती है कमरा बदल गया, उसे तो कोई विकल्प तक नहीं है, उसके अंदर तो कोई लहर भी नहीं उठी कि कमरा बदल गया। वो तड़पा नहीं, वो पीड़ित न हुआ, उसे कोई हर्ष शोक न हुआ कि कुछ मेरा छूट गया और कुछ मैंने पा लिया। ऐसी जो चैतन्य सत्ता की नित्यता और ध्रुवता कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, और इतनी ध्यान की गहराई में है, वह नींद की गहराई में है, यह ध्यान की गहराई में है। उसका शरीर तो लोगों को दिखाई भी देता है, यहां ज्ञानी दिखाई नहीं देता, इसलिए तो पता नहीं चलता कि बैठे बैठे कितनी बार वो अपने भीतर डुबकी लगा चुका है, इसलिए पता नहीं चलता। इसलिए अज्ञानी तो इतना ही देखते हैं कि इंद्रिया है, शरीर है, रूप रंग है, सामने देह है, देह पर वस्त्र है, ये जो बाहर में जो दिख रहा है उसे ही देखता है, उसकी जो दृष्टि इतनी दीर्घ नहीं है, उसे अभी वह दर्शन नहीं हुआ। उस दर्शन का नाम ही दूरदर्शन है, उस दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है, उस दर्शन का नाम ही चैतन्य दर्शन है। मगर वह तब हो जब निकटवर्ती जो चैतन्य सत्ता का दर्शन हो, जो यह भीतर में अपने को चैतन्य के रूप में अनुभव करता है, वह जगत में दूर दूर के जीवों में भी परमात्मा के रूप में यह देखता है कि वह भी तीन लोक का नाथ है, मगर अनुभव यहां हुआ। एक पल में ऐसा यह देह पड़ोसी हो गया, कुछ भी न करना पड़ा, लक्षण से ये पहचान लिया। जैसे को उजन गयो धोबी के सदन तिन पहिरो परायो वस्त्र मेरो मानी रहो है, धनी देखी कहे भैया यह है तो हमारो वस्त्र, चिन्ह पहचातन त्याग भाव दिनो है। देख लिया ऐसे ही तुरंत ही, उसमें देर नहीं लगती। धोबी के वहां पर कपड़े दिए थे, कपड़े लेकर के आ गया, कपड़े पहन लिए और बाजार में निकला है। किसी पराये व्यक्ति के कपड़े धोबी के वहां से आ गए और पहन करके बाजार में निकला। जो उसका मालिक था वह मालिक वहां मिल गया बाजार में ही, और देखते ही कि ये कपड़े तो मेरे हैं, भूल से आ गए थे, देखा कि क्या प्रमाण है कि ये तेरे कपड़े, उसने निशानी बताई कि मेरे कपड़े की निशानी ये है, उधर ही बाजार में उतार दिया, ये रहा तेरा कपड़ा। चिन्ह से पहचान करके त्याग भाव दिनो तुरंत ही छोड़ दिया। फिर बीच बाजार में वहां पर छोड़ दिया, और यह तो चदर थी जो छोड़ दी, कोई भी वस्त्र लंगोट होती तो भी छोड़ दे, यदि पहचान बताए कि मैं ऐसे किसी पराये के वस्त्र को नहीं पहनता। यह जो दृष्टि है ज्ञानी की, यह दृष्टि बहुत सूक्ष्म है। जब सदगुरु लक्षण से पहचान कराते हैं कि जो ज्ञान सत्ता के अतिरिक्त तूने जितना भी आवरण ओढ़ा है वह तेरा नहीं है, और हृदय को इतना छू जाता है, फिर वो आया तो था देह को लेकर के इस धर्म सभा में, मगर देह को तो उधर ही छोड़कर बाहर निकलता है। आए थे एक और निकले हैं दो, आया था ये पिंड और गए थे दो पड़ोसी, कि मेरे साथ में आज कोई नहीं आया, मैं सत्संग में आया हूं, मगर वापिस लौटता है तो लगता है कि पड़ोसी साथ में यात्रा करता है। उस पड़ोसी का नाम शरीर है, इतनी चैतन्य की मस्ती में वो वहां अंतर में डुबकी लगाई कि अब कुछ नहीं दिखता, अब उसके लिए मृत्यु नहीं है। वो जो गुरुदेव श्री कान्हजी स्वामी आज जिस वचनामृत के बोल पर हमें बोध दे रहे हैं, वह मृत्यु से अमृत की यात्रा का बोध है कि मेरी मृत्यु नहीं है, आएगी अचानक। कृपालु देव कहते हैं मृत्यु के लक्ष्य से जीना और जीने के लक्ष्य से मरना, हर पल ये जागृति रहे, एक सांस ये बाहर गई और फिर नहीं आई,
धन्यवाद देना, एक और नया जीवन मिला। क्योंकि जिसकी संभावना नहीं थी और एक सांस नहीं आई, हर समय यह जागृति, इसी जागृति से तो ज्ञानी हर पल इसमें ही जन्म मरण देखता है। बच्चा पैदा होता है, सांस लेकर के पैदा होता है, बूढ़ा मरता है, सांस छोड़ करके मरता है। सांस का अंदर आना ही यह जन्म है, सांस का बाहर निकलना ही मरण है, और यह हर पल हो रहा है। सांस जाती है बाहर आती है, जाती है अंदर बाहर आती, ये जो ज्ञानी को दिखता है यही जन्म मरण दिखते हैं। इंतजार नहीं करना पड़ता 60 साल 80 साल के बाद मौत आएगी, ये सांस बाहर गई यही तो मृत्यु है, सांस भीतर गई यही तो जन्म है, और ये सदा होता रहता है। मगर वो जन्म और मरण से अलग, ये सांस का भीतर जाना और आना, इस गति से न्यारा ऐसा कोई स्थित है जो हिलता नहीं है, जो डोलता नहीं है, जिसमें आवागमन नहीं है, जिसमें गमनागमन नहीं है। जहां सत्ता है उसी का नाम सिद्ध है, वही मैं हूं वही तुम हो, ऐसी जागृति से अभ्यास करो, फिर मृत्यु नहीं है भगवान। ये अपूर्व चमत्कार होगा, इसलिए तो चैतन्य चमत्कार से महान और चमत्कार कौन सा। ऐसा मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, अब उसने उस अमृत को पिया, उसे कोई मार नहीं सकता, अब मरने का उपाय नहीं, कोई कितनी भी तलवार चलाए आकाश में, अब यह आकाश कटता ही नहीं है, क्योंकि उस चैतन्य गगन में ऐसा अपनापन हुआ कि यह परमाणु बैर बिखेर होते होने पर भी वो देखता है कौन जान रहा है, तुरंत ही तत्काल ये कौन जान रहा है। और फिर अंदर आए कि उसके पीछे जो है वह तो ऐसा ही ध्रुव सत्ता स्वरूप है, वही मैं हूं, अलग हो गया लक्षण से भेद ज्ञान करके। मुर्दे को जलता देखा मगर थोड़ा भी हाथ लग गया ऐसा सो, उसे कुछ न हुआ, यहां कौन है। ये स्मशान में अनुभव मुझे बहुत होते हैं, जो स्मशान की चिता पर लेटता हूं बहुत बार कोयला चुभ जाता है, पीठ जल जाती है, ऐसा होता है। मगर तत्क्षण के जो चला गया, जो राख अभी नीचे गिरी है, जो गड्ढे में अभी गिरी है जल करके, वो आमंत्रण दे रही है, कब आ रही है तू, तेरा इंतजार कर रही हूं। अभी तू नीचे क्यों नहीं खिर रही है, अभी तेरा काल नहीं आया, जल्दी से आ जा, इस समारोह में इस मेले में तेरा इंतजार है। मगर ये राख उसमें गिरती नहीं है, तब ये विचार चलता है, स्मशान में देह लेटा है, चिता पर देह लेटा है, और उस समय जो अनुभव है, मृत्यु का बोध, मृत्यु का अनुभव, सिर्फ चिता पर लेटने से न होगा, कोई भी पागल चिता पर लेट सकता है, मगर उस लोहे पर लेट करके, उस लोहे के कठोरता में हड्डी से हड्डी जैसे चुभती हो, ऐसे ही लगे कि यहां कुछ हड्डियां है और कुछ हड्डियां बाहर है। ये स्मशान की जो चिता है ये लोहा है, सुना है वज्र ऋषभ नारद सनन, लोहे के जैसा तीर्थंकर परमात्मा का शरीर, जब चिता पर यह देह लेटता है ऐसा ही बोध आता है मैं चैतन्य कि तीर्थंकर की गोद में जाकर के बैठ गया, जो वज्र ऋषभ नारद सनन का शरीर था, ये लोहे का तकत वो लोहे का नहीं है, मुझे लगता है ये तीर्थंकर भगवान का देह है, उनकी गोद में जाकर बैठ गया, और वो मुझे बोध देते हैं कि राख अभी थोड़ी देर में नीचे उतरेगी, नीचे जाएगी, मगर किसी में दम नहीं है कि उस सत्ता को नीचे गिराए, क्योंकि मिट्टी ही नीचे जाएगी, ज्योति नीचे नहीं जा सकती, वो ऊपर ही जाएगी। ये जागृति से और अंतर में आओ, ये कुछ विरलों का ऐसा ये साहस है जो अंतर में डुबकी लगा देते। हे ज्ञान दीपक, ये देह राख की दीवार, उनका गेट टूगेदर होता है, उनका मिलन होता है, उनका समारोह है, वो एक ही जाति के है, पुद्गल पुद्गल की जाति के है, पर देखता है ये देह सब कुछ देखता है, जिसे खिड़की से कोई देखता हो बाहर कि अभी मैं आया, अभी मैं आया, निकल नहीं पा रहा है, अभी मैं थोड़ी देर में आया,
बस ऐसी ही स्थिति है, ऐसी ही स्थिति है। बर्फ रखा था फ्रिज में और बाहर नहीं निकल पा रहा। तैयारी चल रही है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गई बस अब उस बर्फ को बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी गई, फ्रिज बंद हो गया, वो बर्फ पिघल जाएगा और ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। वही दिखता है चिता पर लेटते समय, जैसे ही चैतन्य निकला कि बस ये देह पिघल गया, ये देह जल गया और फिर गिरा नीचे। फ्रिज में से बर्फ को बाहर आने में देर नहीं लगती, इस शरीर को उस गड्ढे में जाने में देर नहीं लगती। एक बार ये प्रवाह तो चला जाए, इसमें से बाहर तो निकल जाए, उस अनुभूति का नाम वो पूरी तरह से ज्ञानमय अनुभव। अब वहां कोई मृत्यु नहीं है, अब कोई मृत्यु नहीं है, इसलिए तो तलवार से गला काटे तो भी वो उसे देखता है, उतना ही दूर देखता है जैसे सामने वाला दूर से देखता है कि मेरा गला नहीं कटा। ऐसे ही ज्ञानी ये देखता है कि मेरा कुछ भी नहीं कटा। ऐसी स्थिरता, इसी वजह से तो दो दिन से कह रहा हूं, अभय घोष मुनि का शरीर जब कटता है मगर कुछ भी नहीं होता, पता ही नहीं है, क्योंकि जिसे पता चलता है वो कहीं व्यस्त है, वो बाहर नहीं आता। व्यक्ति अंदर ऑफिस में इतना काम कर रहा है कि बाहर कौन आया है कौन गया है उसका पता नहीं, उसकी व्यस्तता इतनी है कि समय ही नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञान ये देह की क्रिया को जानता है वह तो ज्ञान का परिणमन है ना, वह तो ज्ञान की पर्याय है ना, वह एक समय का ज्ञान का प्रकट वह रूप है ना, वह रूप तो अरूप में मस्त है, वह परिणमन तो ध्रुव के साथ में व्यस्त है। इतना परिणमित होता है कि ज्ञायक 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 और किसी जड़ को लेकर के नहीं, अपनी अनंत शक्ति को लेकर के वो जानने रूप परिणमित होता है। जड़ से भीख नहीं मांगता कि लाओ थोड़ी मदद करो, मैं ज्ञायक को जानना चाहता हूं। ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता, तब तुम घर में रहो, परिवार के साथ रहो, मित्र के साथ रहो, तुम आलिशान वैभव को भोगते हो मगर तुम्हारा ज्ञान व्यस्त है ज्ञायक के साथ में। हे चैतन्य परमात्मा, गुरुदेव के इस पुकार को पहले हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और गहराई में जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, आज वचनामृत का 78वां बोल है, मृत्यु का समय आएगा वह कहीं पूछकर नहीं आएगा कि लो अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है, यह तो बिन बुलाया मेहमान है, यह अतिथि है, जिसकी कोई तिथि नहीं है वह कभी भी आ सकता है। हमारे सब सपने सब अरमान ऐसे ही धरे के धरे रह जाते हैं। माइकल जैक्सन का भी सपना था, 150 साल जीने का सपना था, मगर वह सपना धरा का धरा रह गया, क्योंकि यह धरा है जो मिट्टी देती है हमें उधार, और जो उधार देती है वो वापिस कभी भी लेने आ सकती है, और उसे तुम उस समय कहो कि मैं वापिस अभी न दूंगा, वो छीन लेगी, क्योंकि जिसने दिया है वो ले लेगी। इस पृथ्वी ने ये परमाणु कुछ वर्षों के लिए मुझे उधार दिए है। माइकल जैक्सन चाहता था कि ये पृथ्वी उसे 150 साल के लिए परमाणु उधार दे, मगर उसकी पसंद उसे काम न आई। कौन बचा पाता है उस मृत्यु से, कौन बचा पाया उस सिकंदर को, हिटलर को, नेपोलियन को, माओ को, ऐसे जो जो लोग हैं कि जो इतना दावा करते थे
कि हम तो छुप जाएंगे जब मृत्यु आएगी, हमारे पास में इंतजाम है। इसलिए मृत्यु तो आएगी, अचानक आएगी, वो बता करके नहीं आएगी। और जो पहले से ही तैयार है, हर समय वह तैयार है। यू जस्ट बी रेडी टू गेट डाइवर्टेड एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एट नेक्स्ट मोमेंट, एट दैट टाइम इट वॉन्ट मेक यू एनी अनकंफर्टेबल। यू विल जस्ट रियलाइज आई एम रेडी टू बी इन एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, एनी स्पेस ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज वेर एवर आई विल बी फुल ऑफ नॉलेज, दैट्स इट। मैं कहीं पर भी उस पृथ्वी पर नहीं रहूंगा, मैं आकाश में नहीं रहूंगा, मैं जहां पर हूं मैं अपनी सत्ता के बाहर कहीं नहीं हूं, इसलिए मैं तैयार हूं। जैसे ही जा रहा था, अरे कहां जाना था और कहां चला गया, इसको डाइवर्जन कहते हैं, परमानेंट डाइवर्जन कहते हैं। रोड पे जा रहा था, बोर्ड आया, डाइवर्जन, नीचे गाड़ी को नीचे उतारा, कि कोई प्लान नहीं था, कैसे उतर गई, उतर जाती है रोड से गाड़ी। जा रहा था दुकान में और उतर गया, कहीं कुत्ते में चला गया, डाइवर्ट हो गया। रास्ता था दुकान का और कुत्ते के शरीर में चला गया। और वह डाइवर्जन तो बहुत अच्छा है जो अंदर जाने के बाद 2-5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में फिर मेन रोड पे ले आता है। यहां तो परमानेंट डाइवर्जन है, फिर इधर कभी नहीं आएगा। और उसकी तैयारी किसे है, दुकान की यदि चिंता ज्यादा होगी तो डाइवर्जन में तकलीफ होगी, वहां का मोह यदि इतना पकड़ा होगा तो यहां से डाइवर्ट होने में तकलीफ होगी। कल करोड़ों का वैभव मिलेगा, तब आज ये मृत्यु तड़पाएगी। मृत्यु इसलिए तो तड़पाती है क्योंकि हमने सोचा है कल सुख मिल जाएगा, कल सुख मिल जाएगा, कल मिलेगा सुख। और मृत्यु इसलिए तड़पाती है, मृत्यु का अर्थ जिसमें कल नहीं रहा, आज ही है, मृत्यु माने आज। और हमारा सुख तो कल था, इसलिए हमें लगता है मेरा सुख कट गया। मृत्यु कल की पंखों को काट देती है, मृत्यु माने जिसमें आज ही बचे और कल नहीं। कल होता ही नहीं, कल का अर्थ तो काल है, काल का अर्थ तो मौत है, उसका काल पक गया, वो मर गया, काल माने मौत। कल से ही यह जागृति, हर समय वो निकलने को तैयार है इस शरीर में से, न हंसते हंसते न रोते रोते, सिर्फ जागृति से भरा हुआ। बस मैं तो हंसते हंसते देह को छोड़ दूंगा, नहीं। कृपालु देव ने यह नहीं कहा कि मैं हंसते हंसते मनुष्य देह को छोड़ दूंगा, कृपालु देव ने यह नहीं कहा। अभी देरी है मुझे, मरना नहीं है, अभी दूसरे मरेंगे, सभी को याद करते, इनका बुढ़ापा आ गया है, उनकी मृत्यु पक्की है, ये इतने बीमार रहते हैं, उनकी मृत्यु पक्की है, सभी का विचार आता है मगर खुद का विचार नहीं आता। गिनने वाले लोगों में हम सबकी गिनती कर लेते, खुद को ही गिनना भूल जाते हैं, ऐसा होता है ना। इसलिए गुरुदेव ये कहते हैं मृत्यु का समय आएगा, वह कहीं पूछकर नहीं आएगा कि लो अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है। अरे यह संसार तो स्वप्न जैसा है, किसका कुटुंब और किसके धन दौलत, यह शरीर भी एकदम क्षण भर में छूट जाएगा। कुटुंब कीर्ति और मकान सब यही पड़े रहेंगे, न्यायक भगवान को अंतर से पृथक किया होगा तो मरण काल में वह पृथक रहेगा। यदि शरीर से भिन्नता नहीं की होगी तो मरण के समय वह उसकी चपेट में दब जाएगा। इसीलिए अवसर है
तब शरीर से भिन्नता कर लेना योग्य है। इन वचनों को और गहराई से हम समझते हैं। मृत्यु का समय आएगा तो वह पूछकर नहीं आता। सोचने से, याद करने से नहीं आता। मृत्यु कभी भी आ जाती है। और हम सभी को इसका अनुभव है। यही वजह है 12 भावना में अनित्य भावना को पहले रखा है। मृत्यु के कारण यही वजह है कि हमने हमारे मंत्र जाप में यह जगत सारा क्षणिक है, क्षणिक को पहले रखा है। क्योंकि क्षण भंगुरता के बोध के बिना वह नित्य में लीन होगा क्यों? ये बिन बुलाए मेहमान आता है, और जब मृत्यु निकट आता है तब पकड़ और बढ़ जाती है। बुढ़ापा कितना भी हो, देह छोड़ने का मन नहीं करता। दूसरे को लगता है कि यह छूट जाए तो अच्छा है, मगर जिसकी मृत्यु होती है उन्हें अच्छा नहीं लगता। बहू कहती है कि सास बहुत दिनों से बीमार है, छूट जाए तो अच्छा है। हमसे देखी नहीं जाती उनकी वेदना, ये छूट जाए तो अच्छा है। छूट जाए तो अच्छा है ऐसा नहीं, वो कहां छूटेंगे? यहां से गए नरक में, निगोद में, कीड़े मकोड़े में, और कोई तकलीफ नहीं है हमारी नजर के सामने। कोई भी व्यक्ति दूसरे का भला नहीं चाहता, खुद का भला चाहते कि हम छूट जाए उनसे। छूटी जाए तो सारू छे, हमारे पोताने छूटवू छे। ये छूटे एना बहाने अमे एम कहीए छे छूटी जाए तो सारू। यदि उनका भला चाहते तो ये कहते कि वो मोक्ष को प्राप्त करे, वो अपने आत्म ध्यान में लीन हो। मगर उसका तो उसे पता ही नहीं है कि छूटना क्या है, क्योंकि बंधन में बंधे हुए व्यक्ति को मुक्ति का क्या पता। वो खुद बंधे है, वो क्या भावना पाए कि वो छूट जाए तो अच्छा है। इसलिए आश्चर्य नहीं होता है, मृत्यु पूछ करके नहीं आती। रात को सो रहे, सुबह उठे ही नहीं, पता चला अचानक ये मृत्यु अचानक आ गई, पता ही नहीं चला। घर वाले इंतजार करते हैं ये कब दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुला ही नहीं। मैं रात को 2 बजे से 2:20 से बैठा हूं, सोया ही नहीं हूं, 1 मिनट भी नहीं सोया। रात को बापूजी की तबीयत खराब थी, रात को मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटकाया, और इतना जोर से खटकाया है, खटखटाया है कि जैसे दरवाजा टूट जाए। मैं नींद में से, गहरी नींद में था, 12 बजे तक तो जाग रहा था, गहरी नींद में था, दरवाजा खटखटाया। पहला ही विचार आया कि बापूजी की तबीयत का क्या है, इतना जोर से। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कुछ लोग दरवाजे पर खड़े हैं। बापू, मुझे बापू बोला, बापू आपको समाचार तो मिल गया होगा, हम आने वाले हैं आपका प्रवचन सुनने। प्रवचन कितने बजे चालू होगा? कितना वगे राख्यू प्रवचन? तमने समाचार तो मिली गया से, बापू ये वात करी है से,
हमें आवाना चाहिए। जैसे मैं उनका इंतजार करके दरवाजे पर टकटकी लगाकर बैठा हूं, कब आएंगे वो, क्या कर रहे थे आप, मेरे को उन्होंने पूछा। आपका इंतजार बेसब्री से आया तेरे दर पर दीवाना। मैंने सोचा सुबह हो गई, हो सकता है गहरी नींद में हूं। तो दूसरे पूछते क्या कर रहे, उन्होंने कहा शायद सो रहे। हाँ मैं सो रहा था। बैग लेना भी जाइए अंदर। आश्रम में इतने कमरे हैं, उनको कोई कमरा मिला नहीं, मेरा ही कमरा मिला। किसी ने गड़बड़ की है, सच बता दो, किसी ने जानबूझ करके ये किया है, क्योंकि इतने कमरे। आपको समाचार नहीं मिले थे। मैंने कहा ऐसे ही आप दरवाजा खटखटा देते हैं क्या? पहला दरवाजा बोला, पहला कमरा जो है वो बापू का कमरा है, वो पहला माने इधर का नहीं उधर का। अब गिनती का, गांव के लोगों की गिनती, माने किसे पहला कहे किसे चौथा कहे क्या पता, उधर से ये पहला इधर से ये पहला। मैंने तो दरवाजा फिर प्रेम से बंद किया, ये रॉन्ग नंबर है। मगर उनके जाने के बाद मैं थोड़ी देर में बैठा, विचार किया कैसे कैसे लोग आ जाते हैं और दरवाजा जिस तरह से खटखटाया है, तुम भी होते तो ऐसा ही लगता, या दरवाजा टूटेगा। और बापू जी ने उनको आधी रात को आने का मना किया था, वो आए थे और सुबह का प्रवचन सुन करके वो सब लोग चले गए। उनकी कन्वीनियंस थी, उनकी अनुकूलता थी जैसी। मगर मैं बैठा था ये सोचते हुए कि जैसे ये दरवाजा खटखटाया गया है, ऐसे यदि मौत आकर के दरवाजा खटखटाती तो मैं क्या कहता। तब कोई दूसरा उपाय नहीं था, उनको तो मैंने बापूजी के कमरे में भेज दिया, मौत को कैसे भेजू। मौत कमरे नहीं बदलती, वो उधर ही पहुंचती है, वो भूल नहीं करती, मौत से चूक नहीं होती। फिर उसी के बारे में समाधि मरण पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो मैं आपको भेजूंगा। 2 बजे से बैठ करके मैं समाधि पर लिख रहा था। मृत्यु ये कभी सोचा भी ना हो, और घड़ी में मैंने देखा कि 6 बज गए होंगे, शायद आज लेट हो गया उठने में, कि लोग आ गए कि जल्दी से आ जाओ प्रवचन चालू। वो प्रवचन का पूछा, घड़ी में देखा तो 2:20। फिर मैंने एक और देख लिया, एएम है कि पीएम है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि दोपहर का है कि रात का। सब ठीक था, एएम ही था, मगर आनंद आया। पीएम होता तो और आनंद आता। 2:20 होते हैं ना, तब 1420 होता है, 1420 दोपहर के 2:20 पर, उसमें 142 विचार आ गया। फिर ज्ञान दीपक की याद आई कि दोपहर का होता तो 142 हो जाता। फिर तुम्हारे लिए ये लिखा कि ये वर्ष जो ऋणानुबंध मुक्ति मिशन है, समाधि हो तो मृत्यु जब अचानक द्वार पर आए तो इतना भी न कहना पड़े कि रुक,
मृत्यु जब आए तब मृत्यु में ज्ञान का अनुभव हो, मृत्यु के काल में भी उधर चला जाए, उधर छुप जाए, मैं उधर चला जाऊं। इसलिए तो एक फकीर कहता था ने राजा से, राजा ने कहा मैं निर्भय हूं क्योंकि शत्रु से बचने के लिए मैंने देखो ये कितने ऊंचे ऊंचे किले बनवाए। मगर फकीर तू चिंता मत कर, तू भी मेरे राज्य में रहता है ना, तू भी बच जाएगा मेरे साथ साथ। फकीर ने कहा मुझे इन किलों की कोई जरूरत नहीं है, ये किले मेरे काम ना आएंगे, मगर इतना पक्का है कि मृत्यु जब आएगी तब मैं उस किले में छुप जाऊंगा जहां मृत्यु आ ही नहीं सकती, उसका नाम चैतन्य किला है, मैं उधर चला जाऊंगा, मैं उधर छुप जाऊंगा। ऐसा ही तो जापान का फकीर था जो उनके मित्र के साथ में जो रात्रि भोज का आयोजन किया था, जापान में लकड़ियों के मकान होते, भूकंप ज्यादा आता है ना, यह सत्य घटना है, कोबे के पास में, और वहां पर भोजन का आयोजन था, और वो जो परदेसी आया था उसने उस फकीर को पूछा था कि आप बताओ कुछ मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में कुछ बताओ, और तभी भूकंप आ गया। और जब भूकंप आता है तब मृत्यु और ये सब जीवन, ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं चलता, बाहर निकलते सब उस मकान में से उतर गए नीचे। मगर उस अंग्रेजी ने देखा इधर उधर कि वो फकीर तो उतरा ही नहीं, थोड़ी देर बाद भूकंप जब खत्म हुआ तो वो ऊपर गया, देखा फकीर को उधर ही बैठा है। फकीर को पूछा कि भूकंप आया था आपको पता नहीं है, हम सब उतर गए थे। फकीर ने कहा मैं भी उतर गया था, तुम वहां उतरे थे जहां भूकंप आ सकता है, मैं वहां उतरा था जहां भूकंप नहीं आ सकता। वो अचानक वो तत्क्षण मैं उधर चला जाता हूं जहां कोई भूकंप नहीं आता। इसी उसी समय तो मुझे सुनामी में बोध हुआ था जब मैंने अपनी आंखों से इंडोनेशिया में 230,000 लोगों को देखा। अचानक मृत्यु, 25 की रात को, सैटरडे नाइट थी, और आज रविवार की सुबह की तरह, बस अभी तो मुर्दों का ढेर हो गया था वहां पर 7:58 पर सुबह के समय। नाचता हुआ शहर शनिवार की रात की पार्टियां मनाता था, और अपने ही साधक वहां 250 जितने साधक, एक भी नहीं बचा, सब मुस्लिम, अलग अलग दूर दूर से आते थे मुझे सुनने के लिए, सब मुस्लिम, टोपी पहन के इमाम के कपड़े में कोई आता है, कोई मौलवी है, बहुत से हाजी थे, हज करके आए थे। एक एक का, किसी का तो शरीर भी नहीं मिला, कहाँ है। सबसे पहली डेड बॉडी मैंने उसकी देखी थी जिसने मुझे वादा किया था कि आप मुझे साथ में ले चलो, यदि नहीं ले चलो तो मैं इधर ही बैठता हूँ फेरी टर्मिनल पर, जहाज का जो स्टेशन होता है फेरी टर्मिनल पर। और जब मैं वापस लौटा था साबांग से तब मैंने उसको पहले देखा, उधर ही ऐसी कुर्सी पकड़कर बैठा है। उसने कहा था आप मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, उधर ही बैठा था, पूरा वहां पर मुर्दों का ढेर है उसमें वो ऐसे बैठा। मुस्लिम था मगर उसकी श्रद्धा जैनियों से ऊंची थी, जैनियों के वादे मुझे ऐसे निभाने वाला कोई नहीं मिला जैसा वो मर करके भी उधर ही बैठा रहा। क्योंकि मैंने उसे मना किया था तुझे ले जाऊंगा तो सभी को ले जाना पड़ेगा, किसी को बुरा लगेगा, मैं ऐसा अन्याय ना करूंगा। वो बोलेगा मेरा यहाँ घर नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं किन के पास में यहाँ पर जाऊँ, पूरे दिन भर में कहाँ ठहरूँ, ये सब तो अपने अपने घर चले जाएंगे और मुझे किसी के घर जाना नहीं है, मैं तो दूर रहता हूँ,
इसलिए मैं इधर बैठा रहूंगा पूरे दिन, पर आप शाम को वापस लौट आओ। उस मृत्यु की घड़ी से पहले ही यहां पर तुम इतने खाली हो जाओ। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि मृत्यु आए वो तुम्हें पूछ करके, वो तुम्हें बता करके नहीं आएगी कि अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। अरे ये संसार तो स्वप्न जैसा है, इसलिए तो कहा सपना है ये संसार, जिंदगी एक सपना है, इसलिए तो सपना कहा। तरह तरह के सपने हम देखते रहते हैं, ये सपने देख रहे हैं। कोई सपना देखता है मैं पुरुष हूं, कोई सपना देखता है मैं स्त्री हूं, और सपने बदलते रहते हैं। ये हमारे सपने बदलते रहते हैं, फिर कभी सपने ऐसे हो जाते हैं कि अब मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, अलग अलग तरीके से ये रोल बदल जाते हैं। हमारे सपने बदलते हैं मगर नींद नहीं छूटती, और सपना जब छूट जाए तब हम दूसरे को कहते हैं। सपना जब छूट जाता है तब कहते हैं कि आज रात को मुझे एक सपना आया था। सपने के काल में किसी को एहसास ही नहीं होता कि यह सपना चल रहा है, तब तो सत्य ही लगता है, जो भी मैं देख रहा हूं सब सत्य है, सपना कहां है। जागे हुए व्यक्ति को स्वप्न का पता है कि सपना किसे कहते हैं। इसलिए तो ज्ञानी जागृत है, और इसी वजह से ज्ञानी को ये पूरा एक सपना लगता है। जिंदगी ये स्वप्न की भांति है, किसी का सपना लंबा चलता है, किसी का छोटा होता है। किसी को 60 साल का सपना है तो किसी को 80 साल का, ये सपने हैं। इसलिए इसे सपना कहा है क्योंकि सपने में मैं देखो कि मैं राजकुमार हूं, राजकुमारी से शादी करने जा रहा हूं, और आंख बंद है, आंख खोल करके मैंने देखा तो कोई राजकुमार राजकुमारी कोई नहीं, कोई घोड़ा नहीं है, हाथी नहीं है, राज्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिंदगी सपना है, मृत्यु है सपने का छूट जाना, क्योंकि जैसे ही अगले भव में जन्म होता है और आंख खुलती है और देखे कि किधर गई वो मां बाप भाई कि कुछ भी तो नहीं दिखता है, वहां पर कोई नहीं दिखता। इसलिए तो तुम जरा विचार करो, एक कल्पना करो, एक 5 रुपये का हाथ का रुमाल यहां पर रखा है ऐसे, और ये रुमाल यदि ऐसे नीचे गिर जाए यहां पर, और फिर मैं देखो रुमाल किधर गया, रुमाल किधर गया, मेरा रुमाल किधर गया, उस समय तो 5-7 सेकंड के लिए भी कैसे भाव आते हैं। सिर्फ 5 रुपये का रुमाल था, किधर गया। जब करोड़ों की संपत्ति खाली जड़ नहीं, ये चेतन माता पिता भाई बहन सहित पूरे रिश्तेदार और सब एक समय में अनजाना हो जाता है, जैसे पर्दा गिर गया, दीवार खड़ी हो गई, और उस समय कैसा होगा, कहां गया वो मेरा जिसको मैं मेरा कहता था। और वह दिन आए उससे पहले ही तो उस स्वरूप में लीन हो जा कि अभी से ये अनजाने हो जाए, मैं अपने में ऐसा अनजाने हो जाए कि किसी की भी समझ में ये आ सकता है, समझना चाहे उनकी। मृत्यु संसार तो स्वप्न जैसा है, किसका कुटुंब और किसके धन दौलत, जिसके लिए इतना करते हैं, बाप के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने को तैयार है बेटा, मगर मरने के बाद में वही बाप का जीव कुत्ते में जाए और वह आए, बिल्ली में जाए और वह आए, तो 5 रुपये का दूध न पिलाएगा। बस ये है, ये रिश्ते, ये संसार, कोई लेना देना नहीं है उस आत्मा से, खत्म, वो गया कि सब खत्म। दर्पण के सामने बैठ करके ये स्त्रियां जो मेकअप करती है, इसका विचार करना चाहिए।
जितना भी मेकअप किया, अब हाथ में लिया है पाउडर लिया, मेकअप करो, आईब्रो करो, ब्लशर करो, जो भी तुम घुमाते हो, मुझे ये सब नाम बच्चों ने सिखाया, वैसे पता नहीं था कि ये सब होता है उसमें। तो वो जो ऐसा तुम जरा विचार करो, ये सब चेहरे पर ये सब घुमाते हो और उसी समय मरण हो गया, हार्ट अटैक आ गया, देह गिर गया, मर करके बिल्ली में पैदा हुई। वह स्त्री मर करके बिल्ली में पैदा हुई और वही बिल्ली फिर इस मृत देह के पास आई और देखती है मुर्दे को, मगर पहचान भी नहीं पाती कि यह कभी मेरा शरीर था। आत्मा वही है मगर पहचान भी नहीं पाता कि कभी यह मेरा शरीर था। और जब यह शरीर में वह आत्मा था स्त्री के शरीर में, तब कैसा भाव था कि मैं कितनी सुंदर, ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं, ये कितना गहरा भाव था। और इतना जब एक समय में पूरा रूप पलट जाता है, जब ये पता है कि होता है, तो पहले से ही इन परमाणुओं की पकड़ अब नहीं रहती, अब वो भाव नहीं रहता कि ये परमाणु में है, वो अब कसाई नहीं रहा, अब वो कसाई से साई हो गया, अब वो मांस के साथ में नहीं खेलता, अब वो परमात्मा के साथ में खेलता है, अब वो परमात्मा के साथ में नाचता है, वो मांस के साथ में नहीं रहता। ऐसा ही लगे मैं चमड़े का व्यापार नहीं करता, चमड़े के जूते नहीं पहनने वाला, चमड़े के पट्टे नहीं पहनने वाला, ये चमड़े से क्या कर रहा है, और वह भी थोड़े समय के लिए। मैं बस में यात्रा कर रहा था और बीच में रेड सिग्नल पर बस रुकी, एक आदमी नीचे उतरा और एक रंग की दुकान पर, एशियन पेंट की दुकान से डिब्बा लिया और वो बस को रंगने लगा। जितने भी लोग थे वो सब कहने लगे पागल है। थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए ये सिटी बस में ट्रैवल करना है, उस बस को ये रंग रहा, रंग रोगान कर रहा। ऐसा कभी लगता है कि हम 60 साल के लिए यहां है, 50 साल यहां है, और मेरा तो पता नहीं इस साल ही मृत्यु है। ये क्षणिक का बोध, आ अब लौट चले, वापिस लौटने का अब समय आ गया। तुमने सुना, बहुत सुना, अब मौन होने का समय आया। अब तुम जो सुना है उसका अंदर में घोलन करो, जुगाली करो। गाय घास को खा करके दूध नहीं देती, वो अंदर ही अंदर चबाती है। गुजराती मां केवाई वागोड़े छे, उसी का ही घास खा तो लिया उस समय, मगर फिर वो जुगाली चलती है। उसी प्रकार के तत्व चिंतन, विचार विचार उसी का चलता, फिर उस चिंतन से ही अंदर से वितराग परिणति तक वह पहुंचता है, वह चिंतन का फल मिलता है। यदि चिंतन न हो और सिर्फ सुना हो तो व्यर्थ जाता है, वो खाया हुआ घास है, फिर वो थोड़ी देर में गोबर बन जाता है, दूध नहीं बन पाता। इसलिए सुना हुआ सिर्फ सुना हुआ न रहे, उसकी जुगाली हो। अब वह समय आया है, सुना तो तुमने बहुत, मगर अब विचार करो, सुनो कम चिंतन ज्यादा करो। गुरुदेव ने जो पुकार की है, सरल है यह शब्द, सुबोध है, गुरुदेव की भाषा सहज है, गुरुदेव का जीवन सहज है, भाषा में भाव है, भाषा ही भावमयी है, शैली बहुत सरल है और कठोर भी नहीं है, कोई भी समझ सकता है। ये कुटुंब कीर्ति और मकान सब यही पड़े रहेंगे, मगर ऐसा विचार कहां आता है, कभी लगता है ये शरीर जो मिला है
जो मिला उसका सदुपयोग करने का भाव कभी आया ही नहीं। असंतोष की भावना है, दौड़ते 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 इतने थक जाते हैं कि मर जाते हैं, इतने दौड़ते हैं भोगों के पीछे कि दौड़ने वाला कौन है ये विचार ही नहीं आया, सिर्फ दौड़ ही रह गई। इतने तो भागते हैं ये सुबह से लेकर के दुकान की ओर ऐसे ही तो भागते हैं, ऑफिस के लिए ऐसे ही तो भागते हैं। अंदर में वो भाव जो अंदर में सुख बुद्धि का अभिप्राय में पड़ा है, ज्ञानी भी दुकान जाता है मगर वो दुकान में नहीं जाता है, वो दुकान की क्रिया में वो ज्ञान का अनुभव करता है। दुकान की जो क्रिया चल रही है, माल को लेता है देता है, वो व्यापार जो चल रहा है उस व्यापार में ये ज्ञान के व्यापार को उस जानना 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 ये अंतर की जो धारा है वो भूलता नहीं है। उसकी जाति व्यापारी की नहीं है, वो ज्ञानी है। वो बीच बाजार में है मगर बाजार में नहीं है, उसका देह स्वयं मंदिर बन गया क्योंकि वो अपने को परमात्मा देखता है और परमात्मा देवल में वास करता है। वो ऐसे देखता है कि ये चलता फिरता मंदिर दुकान जा रहा है और लोग ये देखते हैं कि ये ऐसा आदमी कभी मंदिर में दिखता ही नहीं है, इतना मंदिर बना दिया मंदिर में तो दिखता ही नहीं है, वो मंदिर में नहीं दिखता तुम्हें नहीं दिखेगा वो मंदिर में, वो मंदिर में ही है। तुम तो एक घंटे जाकर के बाहर आ गए, वो 24 घंटे मंदिर में रहता है। और गहराई से कहूं तो 24 घंटे मंदिर में नहीं रहता, मंदिर के पड़ोस में रहता है क्योंकि उसने मंदिर को भी बाहर देखा है, उसके अंदर में नहीं हूं पड़ोस में। वो अपने को राख की दीवार के अंदर नहीं देखता, ये देखता है राख की दीवार का पड़ोसी, मैं चैतन्य महल हूं। ऐसे ये अद्भुत पुकार है। जो प्राप्त है कुटुंब कीर्ति मकान ये सब यही पड़े रहेंगे, सब कुछ बच जाता है, मालिक ही मर जाता है। और जागृति कि सब कुछ लुट जाए मगर मैं बच गया बस बहुत है, इसका आनंद इतना आता है। बाजार में जाकर के मिठाई बांटे, मेरा घोड़ा चोरी हो गया इसकी मिठाई बांट रहा हूं मगर आनंद में इसलिए हूं कि मैं चोरी नहीं हो गया, अंदर में मैं सत्ता स्वरूप टिकाने, सब कुछ लूटा तो लूटा मगर मैं तो बच करके रहा न, इसकी मिठाई दूसरों को नहीं बांटता है, अंदर आनंद भोगता है। अंदर की जो अधूरी ऐसी जो वासना है वो तृप्त नहीं होने देती, इसलिए जिसे गोरा शरीर मिला उसे गोरे में रस नहीं है। तुम ये मत समझना कि हमारा शरीर काला है तो उन गोरों का क्या होता होगा, वे तो खुश होते होंगे नहीं है वे खुश। हमारा शरीर काला है सावला है, हमें चाहिए कि हमारा शरीर ऐसा गोरा हो जाए मगर उन गोरों को देखो उनको चैन नहीं है, वो बीच पर समुद्र किनारे पर बिना कपड़े के पड़े रहते हैं, उन्हें लाल चाहिए गोरा भी नहीं चाहिए, पूरा टमाटर जैसा शरीर हो जाता है। और टमाटर जैसा हो गया फिर भी शांति नहीं मिली, इसलिए तो फिर वापिस घर जाते हैं कि कुछ शांति तो मिली ही नहीं, नहीं तो वहीं पर ही रात रुक जाते। अंदर का असंतोष गुरुदेव कहते हैं यह अद्भुत रहस्य है, न्यायक भगवान को अंतर से पृथक किया होगा तो मरण काल में वह पृथक रहेगा, यदि शरीर से भिन्नता नहीं की होगी तो मरण के समय वह उसकी चपेट में दब जाएगा। मृत्यु परीक्षा है, परीक्षा के टाइम पे तैयारी मत करना। ये जो बच्चे उनकी बात कर रहा हूं जो मृत्यु के टाइम पर ये तैयारी करते हैं, ऐसे ही होते ना जो बच्चे मौत आती है तब ये तैयारी करते हैं, मौत माने परीक्षा। क्लास में साहेब आ जाते हम साहेब हमारे तो अभी पढ़ावा माटे आवता परीक्षा लेवानी होती तो एम आम बधी नवनीत अने ओलू कोई भोमियो एवं बधु लईने जाता अपेक्षित एवं बधु आवतो अमारा टाइम में ત્યારે નવનીત ને બધું આવતું સ્વાધ્યાય પોથી ને આ પોથી ને બધી કેટલી નોટ ને બધું આમ લઈને જઈએ ક્લાસરૂમમાં સાહેબ આવી ગયા હોય
ફિર સાહેબ આવીને ક્વેશ્ચન પેપર લઈને આવ્યા હોય, આન્સરની કોપી લાવ્યા હોય, આમ બધું લઈને આવ્યા, પછી આમ આવે, ચલો બચ્ચો, ચલો છોકરાઓ, જેની જેની પાસે નોટબુક હોય બધા મૂકી દો અહીંયા, એમ મુકાવી દે પછી. અને ત્યારે અમુક વિદ્યાર્થી એવા હતા કે સાહેબ એ એક મિનિટ વો તબ પઢ રહા હું કે સાહેબ થોડા પઢ લેતા હું, વો ઉસ સમય પઢ રહા હે અભી પરીક્ષા શરૂ હો રહી. મનોવૈજ્ઞાનિક કહેતે હૈ પરીક્ષા કે 3 ઘંટે પહેલે તો પઢના બંધ કર દેના ચાહીએ. યે મહાનુભાવ 3 ઘંટે પહેલે ચાલુ કરતે, સાલ ભર કુછ નહીં કિયા, તબ યે તકલીફ હોતી, ઇતના ટેન્શન આતા હૈ. ફિર કહેતે 10-10 છોકરા થઈ ગયા, 10 બચ્ચે હો ગયે. અભી તો પઢ રહી હૈ, 10 બચ્ચે કેસે હો ગયે? હા, ટેન્શન 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 ટેન્શન. 10-10 બચ્ચે હો ગયે જવાની મેં બિના શાદી કે, ટેન્શન હૈ કિધર હૈ દિખા તો. ઉસ સમય પઢને બેઠતા હૈ, મૃત્યુ કે કાલ મેં જો તૈયારી કરને બેઠતા હૈ, લાવ મોત આઈ, અબ મેં થોડા શાસ્ત્ર કો પઢ લું, ગુરુ કી વાણી કો સુનું. વહ ઘડી વાણી કો સુનને કી નહીં હૈ, વો તો સુના હુઆ થા, ઉસકી પ્રયોગ કી ઘડી હૈ. ઇસલે મૃત્યુ તો જીવન કી પ્રયોગશાલા હૈ, પ્રયોગ શાલા ઇસલિયે, પરીક્ષા ઇસલિયે, ક્યોંકિ પરીક્ષા અંત મેં આતી હૈ, ઇસલિયે તો મૃત્યુ જીવન કે અંત મેં આતી હૈ. એસી અદ્ભુત રહસ્યમય ગુરુદેવ કી દ્રષ્ટિ થી. અભી આજ મેં જ્યાદા ઉમેરણ નહીં દૂંગા, ક્યોંકિ બડા ઉમેરણ દેને કે લિયે મુજે જાના હૈ. આજ મેં ઇન સભી જ્ઞાન દીપકો કે લિયે દાલ મખની બનાને જા રહા હું કિચન મેં, વીગન હો, મખની સુનકર કે ફિર દાલ મખની બનાને જા રહા હું. યે ઇસલિયે નહીં બતા રહા હું કે દેખો મેં દાલ મખની બનાતા હું, વો તો તુમને યુટ્યુબ પર રેસિપી પહેલે સે હી દેખ લી હૈ. યે ઇસલિયે કહે રહા હું કે તુમ્હારી યાદ આ રહી હૈ, તુમ્હારે બિના વો દાલ ગલે ન ઉતરેગી જો યુટ્યુબ પર સુનતે હૈ. મેં આપકો બહોત યાદ કરુંગા, આપ દાલ ખાને પધારો, ઓર યદિ આપકી ભાવના હૈ ફિર ભી નહીં આ પા રહે તો જો અંગૂઠે કા નિશાન હૈ ઉસે એક બાર દબા દો. જો યુટ્યુબ પર સુનતે હૈ અંગૂઠે કા નિશાન આતા હૈ ને ઉસમે, વો નિશાન કો એક બાર દબાઓ, આજ ભૂલ મત જાઓ, વો રોજ રોજ યાદ દિલા રહેના પડે. બસ હો ગયા, જીતના ટાર્ગેટ થા મેરા ઉતના હો ગયા. આપ સમસ્ત જ્ઞાન દીપકો કો જો પ્રત્યક્ષ સુનતે હૈ, જો પરોક્ષ સુન રહે હૈ, આપ સમસ્ત પરમાત્માઓ કો મેં પ્રણામ કરતા હું. આપ સમસ્ત પરમાત્માઓને અત્યંત વિનયવાન હોકર મુજે સુના, સત્સંગ કરને કા અવસર દિયા, મેરા ઇતના સમય સત્સંગ મેં રહા, મેરે પ્રણામ સ્વીકાર કર્યા.